झारखंड विधानसभा विशेष सत्र के दूसरे दिन के बाद सभी की निगाहें मंत्रिमंडल की ओर है। संभावित कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसी बीच कांग्रेस विधायक विक्षल कोंगांडी के ने हमारे सहयोगी सौरभ रॉय से बातचीत करते हुए कहा कि हम सभी एकजुट हैं। पिछले दिनों आपने देखा किस प्रकार से चंपई सोरेन की सरकार को बहुमत हासिल हो गया। हमारे साथ मौजूद है कोलीबीरा विधायक नमन विक्षल कोंगांडी जी। दादा, कल चंपई जी की सरकार ने जीत हासिल कर ली है, बहुमत हासिल हुआ है, कैसे यह सरकार कार्य करेगी, आप लोग कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से भाजपा की जो विचारधारा रही है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से साजिश के तहत कार्रवाई किया है, और कल भी मैं सुन रहा था हमारे नए मुख्यमंत्री पर भी ये लोग कमेंट कर रहे थे, ये इसी विचारधारा के लोग हैं और आदिवासियों को ये सदियों से प्रताड़ित करते आ रहे हैं, सताते आ रहे हैं, इनकी विचारधारा यही है, स्पष्ट है इनका सोच। आदिवासियों के अधिकार में जो जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, नौकरियों में आरक्षण, सरकारी सुविधाओं में प्राथमिकता और जनप्रतिनिधि के पदों पर आरक्षण, जिसके कारण आज आदिवासी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, इसको लेके इनमें जलन है, ईर्ष्या है, इसीलिए आदिवासियों पर झूठा आरोप लगाकर साजिश के तहत फंसा रहे हैं। निश्चित तौर से हमारे लिए चुनौती भरा यह एक वर्ष होगा, चूंकि इनका विचारधारा, इनका सोच ही आदिवासियों के प्रति अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग डट कर सामना करेंगे और अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे और अगला सेशन में भी हम फिर से आएंगे। धन्यवाद। अब नया मंत्रिमंडल बनाने की बात हो रही है, क्या पार्टी से चाहेंगे कि आपको भी कुछ मंत्री इसमें पद मिले? पहली प्राथमिकता हमारी सरकार बचाने की थी, हमने सरकार बचा लिया है, अब हमारे पार्टी और गठबंधन मिलकर फिर से, चूंकि अभी मंत्रीविहीन है हमारी सरकार, मंत्रियों का चयन किया जाएगा और बहुत जल्द इसको शपथ दिला के काम को सुचारू रूप से जनता के हित में काम किया जाएगा। जैसा कि हमने देखा किस प्रकार से इन्होंने कहा है कि जनता के हित में कार्य होगी चंपई सोरेन की सरकार में भी। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय सहयोगी राज के साथ अनाज चुकी।